गुड मॉर्निंग स्ट्रीट स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सेवंथ जी सेक्शन इंचार्ज इज रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द माइक। माइक ऑफ सेवंथ जी इज ऑफ। तो सभी बच्चे प्लीज ग्राफ के ऊपर बात करेंगे आज हम बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे ने ये वर्ड भी पहली बार सुना है ग्राफ, उसको भी सारा समझ आएगा। पर एक शर्त है बेटे, यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन बाय द टीचर, राइट? तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे, शाबाश बेटे, राइट डाउन द हेडिंग ग्राफ्स। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने ग्राफ पेपर देखा हुआ है? रेज योर हैंड जिन्होंने ग्राफ पेपर देखा हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफ पेपर नहीं देखा हुआ। देखो बेटे, आमतौर पर ये ब्लू या ग्रीन या कभी कभी रेड में भी दिखता है। ऐसे ऐसे दिखने में होता है। देखो, ऐसे ऐसे लाइनें लगी होती हैं, वर्टिकल इक्वी डिस्टेंट, और हॉरिजॉन्टल लाइनें भी लगी होती हैं इक्वी डिस्टेंट। तरह से ग्राफ पेपर दिखता है हमें, और ग्राफ पेपर की कॉपी मार्केट में अलग से मिल जाती है, आइदर इन ब्लू कलर और इन ग्रीन कलर, राइट? कभी कभी रेड में भी होता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात नहीं करेंगे, उस पे बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ग्राफ का मीनिंग क्या है, किसको स्टडी कैसे करते हैं। देखो बेटे, सपोज करो मैं अपने बच्चों को ये एक रिलेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे रिलेशन लिख दिए। अब बच्चा बोलेगा सर ये क्या है? तो मैं कहूंगा बेटे, जैसे जैसे x अपनी वैल्यू चेंज करेगा, y को अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल वर्ड बना है। कहां से बना बेटे? वेरी प्लस एबल, एबल मैंने योग्य, वेरी मैंने विच कैन चेंज, वेरी मतलब चेंज। ऐसे सिंबल्स जो अलग अलग टाइम पे अपनी अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें जो एक्स होता है वो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। आमतौर पर इसको राइट साइड पर लिखते हैं बेटे। तो जब एक्स अपनी वैल्यूज अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, उसको वाई से पूछना नहीं पड़ता या वाई पे निर्भर नहीं होना पड़ता, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कभी-कभी आपने पेरेंट्स से बात करते हुए सुना होगा, मेरे बच्चे का अच्छा क्वालिफिकेशन हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अच्छी अर्निंग करने लग जाए, यानी आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। ये अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन वाई को एक्स की मर्जी पे डिपेंड करना पड़ेगा। वाई भी नई वैल्यू ले सकता है, पर इस बात पे निर्भर करेगा वाई का नई वैल्यू कि एक्स ने अपनी नई वैल्यू कौन सी ली। इसलिए वाई एक्स पर निर्भर हो गया, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं।
डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज का एक टेबल बनाना होता है। टेबल, बच्चा कह रहे सर टेबल कैसे बनाना है? तो एक तरफ आप एक्स वैल्यू लिखोगे, एक तरफ वाई वैल्यू लिखोगे। आप इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग कॉलम बना लेंगे और कम से कम आपने तीन कॉलम बनाने ही होते हैं। टीचर ने कितने बनाए? चार बनाए, 1 2 3 4। ओके, कम से कम थ्री जरूरी होते हैं। अब आगे क्या करना है बेटे? हमने आगे हमने करना है, हम इस रिलेशनशिप में जिसको टीचर बॉक्स में लिख रहे हैं, इस रिलेशन में एक्स की वैल्यू रखेंगे। बच्चा कह रहा है सर कितनी वैल्यू रखोगे? तब मैं उसको बोला बेटे एक्स तो अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकता है। मान लो एक्स ने अपना वैल्यू लिया 1, तो वाई को कितना लेना पड़ेगा? एक बच्चा कह रहा है सर वाई के लिए ना आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 रखो, उसके ऊपर आपने स्केयर डाला हुआ, स्केयर करो, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो इसका मतलब y का वैल्यू भी 1 आ गया। कब? जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y का वैल्यू 1 आ गया। एक और करके देखते हैं। मान लो x ने अपनी वैल्यू 2 रखी, 2। जब x ने अपनी वैल्यू 2 रखी, हमें फिर से इसी रिलेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था बेटे, एक्स की जगह पर कितना वैल्यू रखेंगे? 2, क्योंकि एक्स ने 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट कम्स आउट टू बी 4। इसका मतलब जब एक्स 2 वैल्यू रखता है तो वाई 4 वैल्यू रखता है। जितना भी वैल्यू आया यहां रख दो, राइट? कोई बच्चा कहता है सर मैं बताऊं नई वैल्यू? आई सेड बताओ। कह रहा सर आप एक्स की वैल्यू को -1 ले लो, या -1 ले लेते हैं। तो -1 लेंगे, एक बच्चे कह रहे सर माइनस में भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ये देखो टीचर ले ही रहे हैं। यहां पर टीचर ने क्या करा? टीचर ने यहां पर देखो बेटे एक्स के स्क्वायर में -1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर। और आप लोगों को पता है -1 के स्क्वायर का मतलब होता है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना, पर जब दो चीजें नेगेटिव मल्टीप्लाई करती हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 1 × 1 1 आ गया। देखो यानी एक्स को नेगेटिव पुट करने से भी वाई को 1 मिलेगा। तो बच्चे कह रहे हैं सर वाई तो पहले भी 1 लेकर बैठा है, दोबारा भी ले सकता है 1? यस ले सकता है, दोबारा भी ले सकता है। एक और वैल्यू पुट करते हैं। चलो एक बच्चा बोलता है सर मैं वाई की वैल्यू बताऊं आपको कितना? लो -2 ले लो। चलो आई सेड ओके, जब -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट मींस -2 × -2। माइनस माइनस पॉजिटिव बना और 2 2 का 4 बना, तो यहां पर 4 आ गया हमारा। ये क्या बनाया हमने? टैबुलेटेड वैल्यूज। टैबुलेटेड वैल्यूज का मतलब एक्स और वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को टेबल बना के ड्रा कर लेना, टैबुलेटेड वैल्यूज। किसकी वैल्यूज? वेरिएबल्स की। अब जब इतना काम हो जाए तब आपको ग्राफ ड्रा करना होता है। तो ग्राफ कैसे ड्रा करना बेटे? हम यहां पर स्पेस बना लेते हैं, फिर टीचर आपको ग्राफ सिखाते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी का ग्राफ पेपर निकालना पड़ेगा। ग्राफ पेपर के अंदर आपको एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल, इनको डार्क कर लेना होगा। कौन सा ग्राफ पेपर? जो अभी अभी मैंने दिखाया था यहां पर, बहुत छोटे 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 उसमें मार्क होते हैं, राइट?
तो आपने एक साइड पर एक वेरिएबल ले लेना है, जैसे एक्स वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं, और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज मोस्टली टेकन ऑन वर्टिकल एक्सिस। आप बच्चे बोलते सर मोस्टली टेकन बोला आपने, वैसे हम इनको उल्टा भी ले सकते हैं, कभी ले सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पर, और इंडिपेंडेंट जो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। यहां पर जहां पर ये दोनों कट करती हैं लाइनें 90 डिग्री पर, उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चा आप ध्यान से सुन जाएगा, अगली दो बातें वो सीख जाएगा बिल्कुल। ध्यान से सुनना बेटे, आपने क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल सिलेक्ट करना है, स्केल क्या सिलेक्ट करना है, स्केल SCLE, स्केल कैसे सिलेक्ट करना है, आपने एक्स की वैल्यूज देखनी है ये कहां से कहां वेरी करती है। हमने देखा 1 2 -1 2 इसके बीच बीच में वेरी करती है। ओके, तो हमेशा याद रखना ओरिजिन की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। तो मान लो मैंने इतना यहां तक 1 ले लिया, ओके, तो जितना इधर 1 है उतना ही लेफ्ट साइड पर -1 होगा। अब 1 से जो डबल होएगा वो कितना होएगा, 2 होएगा, और 1 और इतना ही आगे और सिलेक्ट करेंगे वो कितना होएगा, 3 होएगा। ऐसे इधर -1 है तो उतने ही आगे जाएंगे तो यहां तक कितना होगा, -2, आगे ऐसे कितना हो जाएगा, -3। इस तरह से आपने एक्स एक्सिस पर क्या यूज करा, स्केल यूज्ड ऑन एक्स एक्सिस। अब एक वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, उस पे भी स्केल यूज करना होता है आपको। बच्चे एक मेरे से बच्चा पूछता है सर मेरे को कैसे पता लगेगा कि 1 कहाँ तक लेना है, ये अपनी मर्जी होती है। जैसे आप इसके अंदर वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस वाला मैंने पेपर बताया था ना, ऐसे वाला पेपर बताया था ना आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद, ऐसे वाला, मान लो उसमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन पे यहाँ पर आप 1 लिखना चाहते हो ओरिजिन से, तो यहाँ तक 1 ले लो। तो ये अपनी मर्जी होती है, कोई बच्चा कहता है मैं तो 3 कॉलम के बाद 1 लूंगा, 3 छोटे छोटे बॉक्सेस के, 3 के बाद ले लो, 2 के बाद ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं वाई की जब एक्सिस को स्केल लूंगा तो मैं देखूंगा वाई किस में वेरी कर, 1 और 4 के बीच में वेरी कर, इसका मतलब है मेरी जो वर्टिकल एक्सिस है वो 0 से कम 5 तक तो मार्क लगे हों उसके। तो मैंने क्या करा देखो बेटे, यहाँ 1 लगा दिया, बिल्कुल उतना ही 2 लगा दिया, बिल्कुल उतना ही 3 लगा दिया, फिर 4 लगा दिया, फिर 5 लगा दिया। ओके, एक बच्चा कहता है सर जितना 1 इधर होना चाहिए उतना ही वाई एक्सिस पर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, आप इधर एक्स एक्सिस वाला 1 छोटा ले सकते हो, वाई वाला बड़ा ले सकते हो, या वाइस वर्सा। एक बच्चा बोलता है सर अगर वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव निशान लगाने हैं वो किधर लगाने हैं, बेटे वर्टिकली अप जो होते हैं ना ओरिजिन से वो पॉजिटिव मार्क होते हैं, अगर मैं इसी लाइन को लंबा करके नीचे लगाऊं, नीचे बराबर लेने पड़ेंगे, ये -1 होएगा वाई का, ये -2 होएगा, ऐसे ही नीचे जाते हुए -3 रहे। अब जब आपने ये सारा चीज कर लिया तो इसका मतलब है आपने क्या कर दिया, स्केल यूज्ड ऑन वाई एक्सिस भी बता दिया आपको, वाई एक्सिस पे भी स्केल यूज कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ कैसे ड्रा करना है। देखो बेटे ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको ये देखना है, जब X1 था तो Y भी 1 होना चाहिए, ध्यान से देखो, जब X1 तो Y भी 1, तो आ जाओ X की वैल्यू 1, 1 से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो,
डॉटेड लाइन, और वाई वाली एक्सिस के ऊपर भी वन ही आता है, इधर भी ड्रॉ कर दो। फिर से देखो, एक्स वन तो वाई वन, एक्स कहां था, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, वहां वन पकड़ के वर्टिकल लाइन, और वाई कौन सी एक्सिस पर था, वर्टिकल, वर्टिकल से वन पकड़ के वन पे लाइन ड्रा कर दो। ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कट करेंगी, जिस जगह पर ये दोनों लाइनें कट करें वो हमारा मार्क आ गया, जिसको टीचर व्हाइट कलर से डॉट लगा रहे हैं। इसको हम लिखने में क्या लिखेंगे, वन पुट करने से वन आया, तो हम इसकी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, छोटा सा इसकी ब्रैकेट में वन कॉमा वन, वन कॉमा वन। और देखो, एक्स को टू पुट करने से वाई फोर आया, तो वन टू, एक्स को टू पुट करने से वर्टिकल लाइन लगा दो, और वाई कितना आया था इसमें, टू पुट करने से फोर, वाई की लाइन में चलो वन टू थ्री फोर, जैसे फोर आया अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक और आ गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे, आप बोलोगे सर टू पुट करने से फोर आया था, तो टू कॉमा फोर, तो ये पॉइंट आ गया, दो पॉइंट आ गए, हमने कितने भरने हैं, फोर पॉइंट्स। माइनस वन पुट करने से एक्स को वाई वन आया, आ जाओ फिर, एक्स का माइनस वन यहाँ है वर्टिकल लाइन, वाई कितना आया था, वन आया, वाई का वन ढूंढ के हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला जिसको टीचर डार्क कर रहे हैं। इसकी ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, माइनस वन पुट करने से वन आया, तो लिखना चाहिए माइनस वन पुट करने से वन, आगे वो लगना है एक्स वाला, बाद में कॉमा डाल के वाई वाला, आगे एक्स वाला कॉमा डाल के वाई वाला। एक और सुनो, एक्स को जब माइनस टू पुट करा तो वाई फोर आया, एक्स का माइनस टू कहां पर है, गौर से देखा जाए बच्चे, ये पड़ा एक्स का माइनस, तो यहां से वर्टिकल लाइन लेकर आओ, और वाई कितना आया था, फोर, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आओ। कहां पर कट करें, ये जिस पॉइंट पे आपस में ये दोनों लाइनें कट करें उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस टू पुट करने से फोर आया था, तो हम लिखेंगे माइनस टू कॉमा फोर, ऐसे लिखा। अब हमारे पास फोर पॉइंट्स आ गए, लेकिन गौर से देखा जाए अगर हम और भी पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैं एक्स को जीरो पुट करूं, सपोज करो एक्स को मैं जीरो पुट करूं, कलर चेंज कर लेते हैं आपको अच्छा दिखेगा, तो एक्स को जब मैंने जीरो पुट करा तो जीरो पुट करने से जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, यानी एक्स को जीरो पुट करने से वाई भी जीरो है, तो चाहो तो हम एक और ऐड कर सकते हैं, तो दोनों का जीरो कहां पर है, कॉमन होता है जीरो, ओरिजिन को बोलते हैं जीरो जीरो, तो ये पॉइंट आ गया जिसको टीचर येलो कलर से डार्क कर रहे। ओके, अब हमारे पास फाइव पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, जिन पे टीचर टिक कर रहे थे, एक दो तीन चार पांच। अब इन पांचों पॉइंटों को फ्री हैंड से पेंसिल लेकर फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, ध्यान से देखना, ज्वाइन करने पर जो हमें चीज मिलेगी उसी को ग्राफ बोलते हैं, तो मैं इनको ज्वाइन करने लगा हूं, देखो टीचर कैसे करते हैं बेटे, ये देखो एक ये एक ये एक ये, तीनों को मैंने ज्वाइन करना फ्री फ्लो में, स्केल नहीं यूज करना, तीनों ऐसे फ्लो में आने चाहिए, लाइन को आगे भी खींच सकते हो और इधर भी ज्वाइन कर सकते हो ऐसे, ये जो चीज बना दी है ना टीचर ने, ये वाली लाइन जो जिसको आगे एक्सटेंड कर, दिस इज नोन एज ग्राफ। तो इस ग्राफ ने हमें क्या बताया, एक्स के चेंज करने से वाई के चेंज करने का बिहेवियर कैसा है, किस हिसाब से वाई चेंज कर रहा है जब एक्स चेंज कर रहा है। अब सारा देखो टीचर ने कैसे कैसे बताया, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अब अगर किसी बच्चे ने खुद को चेक करना हो कि मेरे को समझ आया या नहीं समझ आया, तो उसको सबसे पहले देखो, सबसे पहले उसको इतना देखना चाहिए कि टीचर ने मेरे को ये बताया, मेरे को पता लग गया, देखो जितने में टीचर बॉक्स बंद कर रहा है,
ए बॉक्स तक, यहां तक। इसके अंदर अंदर देखो, सबसे पहले अपने आप को चेक करो, क्या मेरे को ये समझ आया? टीचर ने इसको रिलेशन बताया जो अपनी मर्जी से चेंज करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड करके चेंज करता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे और एक्स और वाई दोनों को वेरिएबल्स ही बोलेंगे, दोनों ही वेरिएबल्स हैं। वेरी का मतलब चेंज करना, एबल मैंने चेंज करने के योग्य। फिर दूसरे नंबर पर टीचर, आपको ये देखना है कि टीचर ने टेबल बनाया था और टेबल बनाने के लिए ये कैलकुलेशंस करी थी। अपने आप से पूछो कि जो टीचर ये नया वाला व्हाइट बाउंड्री बना रहे हैं, क्या मेरे को ये सारा समझ आया? व्हाइट बाउंड्री वाला, ये सेकंड पॉइंट। इसके अंदर अंदर अपने आप से पूछो, क्या मेरे को यह टेबल बनाना आ गया? तीसरे नंबर पर आपको अपने से पूछना चाहिए कि टीचर ने इस ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल यूज करके दिखाया था और वाई को वर्टिकल एक्सिस पर और एक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई थी, उस पर मार्क लगाए थे 1 2 3, 1 2 3। फोर्थ पॉइंट पर आपको पूछना चाहिए कि टीचर ने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ब्रैकेट्स में कैसे निकाल दी, क्या मेरे को ये पता लगी? फिफ्थ पॉइंट पे टीचर ने फ्री हैंड यूज करके पेंसिल से ग्राफ ड्रा करा था, राइट? अब टीचर आपसे क्वेश्चन करते हैं बेटे, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रा द ग्राफ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? शाबाश, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड रिस्पॉन्स, शाबाश। मोस्टली बच्चे समझ गए हैं, ठीक है? अब ये जो ग्राफ ड्रा करा है, ये कौन सा? ये मैथ का आर्टिकल है। अब इस मैथ के आर्टिकल को हम अपनी साइंस के आर्टिकल में लेकर आएंगे, फिजिक्स के आर्टिकल, ठीक है? कैसे लेके आएंगे बच्चा? उसमें बेटे ये है, जैसे एक्स और वाई का यहाँ पर वेरिएबल का हमें नाम नहीं पता, एक्स क्या है बाकी, उसमें हमें ये पता होगा, जैसे वाई स्पीड हो जाए और एक्स डिस्टेंस हो जाए, कुछ ऐसे हो सकता है, राइट? तो अब सेकंड हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, ग्राफ्स ऑन रिलेशन ऑफ स्पीड, ग्राफ ऑन फार्मूला ऑफ स्पीड। ये हम नेक्स्ट चल रहे हैं। सभी बच्चों को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। देखो बेटे, इनके ऊपर हमने क्या स्टडी करना है? ग्राफ। ध्यान से देखना आप सभी बच्चे, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल पर टाइम ले लिया। जैसे पिछले ग्राफ में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या लिया था? एक्स लिया था, अब हमने टाइम ले लिया। वर्टिकल एक्सिस पर वहां वाई लिया था हमने, अब हमें डिस्टेंस ले लिया। और एक बात याद रखना है, इनकी यूनिट साथ में लिखनी है, टाइम सेकंड में है तो सेकंड ब्रैकेट में कर दो, डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर ब्रैकेट में कर दो, ऐसे एरो भी शो करना मत, और 0 0 करके ओ पॉइंट पर ओरिजिन भी शो कर दिया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आप यहां पर सारे बच्चे पेन रोक दो, छोड़ दो पेन थोड़ी देर के लिए, इंपॉर्टेंट है वरना कुछ समझ में नहीं आया। मान लो बेटे मैंने एक ऐसा ग्राफ ड्रा कर दिया, ग्राफ कैसे ड्रा कर दिया? लेट मी चेंज द कलर, ये ग्राफ ड्रा कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटे जिस भी बॉडी का ये ड्रा करा है ग्राफ, मान लो ये इस लड़के का है,
उसके मोशन के लिए ये ग्राफ ड्रा करा हुआ है। और मैं आपसे पूछूं, इस लड़के की स्पीड बताओ, डिस्टेंस को पोजीशन भी बोल सकते हैं, पोजीशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। बच्चा मेरे को बोलेगा, सर आपने इसकी स्पीड पूछी है? आई सेड यस। कहेगा, सर पहले मैं ये 1 सेकंड पर देखता हूँ इसको कितना है। ग्राफ पेपर में ऐसे मार्क लगे हुए, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4। मैंने कहा देखो भाई बताओ फिर मेरे को। कहता मैं ये फार्मूला लगा दूंगा बाद में, पहले देख लेता हूँ। मैंने कहा लगाओ। बोल रहा है बच्चा, सर 1 सेकंड के ऊपर आपका ना यहाँ पर ग्राफ कट हुआ, और यहाँ पर मैंने मार्क देखे हैं डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 4 लगा हुआ है, यहाँ पर 5 लगा हुआ है, फिर आगे आपका और लगे हुए मार्क, तो आपका 1 सेकंड के ऊपर 5 मीटर की दूरी पर है ये लड़का। 1 सेकंड, देखो सेकंड, 1 सेकंड के ऊपर ये लड़का 5 मीटर की पोजीशन पर है, मतलब ओरिजिन से 5 मीटर दूर है। 5 मीटर, नोट कर लेते हैं डाटा। 1 सेकंड के ऊपर ये लड़का 5 मीटर की दूरी पर है। ओके, दूसरा। फिर बच्चा कह रहा है सर मैं दूसरी बार देखता हूँ 2 सेकंड पर क्या हुआ। मैंने कहा देखो, 2 सेकंड पे उसने वर्टिकल लाइन ड्रा करी और ग्राफ यहाँ कट करा, ग्राफ से इधर आया तो वाई एक्सिस पर मार्क देखा, अभी भी 5 मीटर ही है। तो उसने बोला सर 2 सेकंड के ऊपर भी ये लड़का 5 मीटर की दूरी पर है ओरिजिन से। मैंने कहा और देख लो। कह रहा सर ये तो हर बार मेरे को वही लग रहा है, 3 सेकंड पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा करी तो मैंने देखा अभी भी ये लड़का 5 मीटर की दूरी पर है, 3 सेकंड। तो 4 सेकंड पे भी ये लड़का 5 मीटर की दूरी पर है। तो मैंने कहा बेटे उसकी स्पीड बताओ मेरे को, तो स्पीड मैंने तो आपसे स्पीड पूछी है। आप बोलोगे सर स्पीड तब निकलती है जब कोई लड़का मूव करे। आपका तो लड़का, टाइम तो बीतता जा रहा है पर उसकी पोजीशन तो 5 मीटर की दूरी पर ही है, ये तो लड़का मूव ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आप बोलोगे अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरलर आ जाए, येलो कलर वाला टाइम ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के पैरलर हो जाए तो मोशन में लड़का होता ही नहीं, वो लड़का क्या होता है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट। और जब कोई चीज रेस्ट पर हो तो क्या उसकी स्पीड हो सकती है? आप कहोगे नहीं हो सकती सर, स्पीड तो होती ही तब है जब कोई बॉडी गति में हो, मोशन में हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, मतलब 0 बल। तो लर्निंग पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट सुनो ध्यान से सुना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी इज दी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर से सुनो, अगर कोई बॉडी खड़ी है तो उस बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसी सीधी रेखा होगी जो टाइम एक्सिस के पैरलर होएगी, बराबर दूरी बना के रखेगी। देखो यहां भी 5 मीटर की दूरी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो लर्निंग पॉइंट क्या हुआ, लर्निंग पॉइंट ये हुआ बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या, किसके लिए, फॉर ए रेस्टेड बॉडी क्या होएगा, इज दी स्ट्रेट लाइन, या इज स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सके, ऐसे के ऐसे के ऐसे के ऐसे, आपको बताना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, येलो वाली लाइन टिक वाली व्हाइट लाइन के पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, पैरेलल का क्या मतलब है, समानांतर दूरी बनाकर चलती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जिस बच्चे को ये ग्राफ समझ आ गया वो राइट हैंड खड़ा करेगा जब मैं पूछूंगा, हैव यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ, रेज योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, दोनों में से एक हाथ खड़ा करना ही करना है आपने। हैव यू अंडरस्टूड? 7th B में एक बच्चे का, हाँ सबका खड़ा है, डाउन बैठे, शाबाश शाबाश। अब दूसरा भी क्वेश्चन,
वो बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा जिसको ये नहीं समझ आया। प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया, ब्राइट ब्रेन, ब्राइट, सभी बच्चों को कुदरत ने बड़ा अच्छा ब्रेन दिया है। एक और ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, शाबाश। ये पहला था। दूसरा, मान लो मेरे पास इस तरह का ग्राफ है, ध्यान से देखो। एक तरफ टाइम एक्सिस है, एक तरफ डिस्टेंस है, और यहां पर ओरिजिन है, और मेरे को ग्राफ दिया हुआ है ये वाला ग्रीन कलर का, ऐसे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है मान लो। तो इस ग्राफ से मैंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले हैं? पहली बात, ध्यान से सुनना, पहली बात, क्योंकि ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन वाली लाइन टिक वाली येलो लाइन के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब है स्पीड जीरो नहीं होगी, जीरो से अलग हुई, यानी बॉडी मोशन में। ओके, दूसरी बात, दूसरी बात, शाबाश। अगर ये ग्राफ इस तरह से हो, ऊपर को बढ़े, ऐसे बढ़े, इंक्लाइंड, तब इस ग्राफ का नाम होता है, ध्यान से सुनो, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। एक बच्चा कहता है सर स्ट्रेट लाइन तो पहले भी आया था। बेटे पहले स्ट्रेट लाइन आया था वो टाइम एक्सिस के पैरलर था, बताना होता है। स्ट्रेट लाइन पहले भी था लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरलर, अब भी स्ट्रेट लाइन है और वो लीनियरली राइजिंग है। बच्चा कह रहा सर लीनियरली राइजिंग का क्या मतलब? जब एक पैरामीटर के बढ़ने से सिमिट्रिकली दूसरा पैरामीटर भी बढ़े, और तब जो लाइन होती है उसके ऊपर, वो इस तरह से ग्रीन लाइन होती है और उसके ऊपर ऐसे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, ऐसे पॉइंट्स आते हैं स्ट्रेट लाइन में। लीनियरली राइजिंग का मतलब टाइम पैरामीटर के बढ़ने से डिस्टेंस पैरामीटर सिमेट्रिकली बढ़ता है। और एक बात सुनो, अगर कोई बॉडी का ग्राफ ऐसा लीनियरली राइजिंग हो तब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, चेंज नहीं करती ना, वो बॉडी जितनी गति से जा रही है उतनी सी जाती रहती है, ना तेज होती है ना स्लो होती है। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ध्यान से सुनो, इधर टाइम होता, इधर डिस्टेंस होता, और ये ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ना होकर ये ग्राफ ऐसे ऐसे होता जैसे टीचर अभी दिखा रहे हैं येलो कलर से, ए ऐसे होता, ध्यान से देखो, ए ऐसे। इसमें भी बॉडी तेज तो हो रही है लेकिन वो ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो कर्व में आ गया। तब यहां पर अलग अलग मौकों पर अलग अलग स्पीड रखेगी बॉडी, कांस्टेंट नहीं होगी। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए ऐसे, तब स्पीड कांस्टेंट होती है, और नेचुरली ऐसे वाले ग्राफ में स्पीड नॉन जीरो होगी, यानी जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर मेरे को पता कैसे लगेगा कि वो स्पीड है कितनी, हाउ मच, वो बताने लगे हैं टीचर। ध्यान से सुन लो, अभी तक क्या बताया? अभी तक मैंने ये बताया कि ऐसे मोशन में बॉडी की स्पीड जीरो नहीं होती, ऐसे में होती है जीरो। दूसरी बात, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कर्व में नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो स्पीड कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, चेंज नहीं हो रही। तीसरी बात सर, वो स्पीड कांस्टेंट कितनी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड से है या 20 मीटर पर सेकंड से, वो कैसे निकालनी है मैंने? ध्यान से सुनो, वो कैसे निकालनी, ये सबसे मुश्किल पार्ट है, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, ग्राफ में किन्हीं दो पॉइंटों को सिलेक्ट कर लो, सर कौन से, ये दोनों के, ये दोनों के लास्ट वाले, जो तुम्हारा दिल करता है दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, दो पॉइंट। मान लो एक बच्चे ने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, एक ये, एक ये, दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, एक बच्चे ने ये दोनों, फर्स्ट और लास्ट वाला, तो लास्ट वाले पॉइंट से आपने हॉरिजॉन्टली लाइन खींच देनी है, वर्टिकली सॉरी, और फर्स्ट पॉइंट से भी वर्टिकली लाइन खींच देनी,
वॉट इट, ये दोनों लाइनें इस ग्राफ को यहां कट करेंगी, जहां पर कट करेंगी उसके बीच में आपने ये दूरी नोट कर ली। देखो लो ध्यान से टीचर, जिसको डार्क कर रहे हैं व्हाइट कलर, ये वाली दूरी कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चा कहेगा सर कैलकुलेट कैसे करनी है ये तो बताओ। ध्यान से सुनो, कैलकुलेट कैसे करनी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप देखोगे कि ग्राफ के ऊपर ऐसे मार्क लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लो यहां पर जहां इसने कट करा 1 मार्क लगा हुआ है, यहां पर जो कट करा यहां पर 4 मार्क लगा हुआ, 4। ओके, तो आप 4 में से 1 को माइनस कर दो। देखो बड़ी वाली येलो लाइन में से छोटी वाली येलो लाइन माइनस करोगे तो व्हाइट लाइन की लंबाई आ जाएगी। तो 4 वाले मार्क में से 1 को माइनस करो, 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटे, 3। 3 क्या चीज आई, 3 टाइम एक्सिस पर क्या होता है, टाइम एक्सिस पर टाइम ही होगा सेकंड में। तो ये व्हाइट लाइन जो हमने ड्रा करी उसमें टाइम जो हो गया हमारा वो निकल के आया 3 सेकंड का ड्यूरेशन। ओके, अब एक बात और सुनो, इन्हीं 2 पॉइंटों से जो बच्चे ने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करे थे, इन्हीं 2 पॉइंटों में डिस्टेंस वाली वर्टिकल एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर, यहां कट करा और यहां कट कर, ये दोनों पॉइंटों में से ये वाली दूरी कैलकुलेट करनी है जिसको टीचर डार्क कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करनी है, मान लो यहां से लेकर ऊपर तक, यहां तक 10 10 का मार्क लगा हुआ है ग्राफ में, और यहां से लेकर यहां तक 1 का मार्क लगा हुआ है, 1 का। तो 10 में से 1 माइनस कर दो, 10 माइनस 1 कितना हो गया बेटे, 9। 9 क्या चीज निकली, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्सिस पर है, डिस्टेंस किसमें निकलता है, मीटर में, तो ये डार्क वाली लाइन 9 मीटर डिस्टेंस बता रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 मीटर। अब हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपने आप उसे चेक करो, क्या आपने ग्राफ से ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। बच्चा कहेगा हाँ जी सर, आपने खुद ही तो बताया कि इतने वाला आपका 9 मीटर आया, इतने वाला आपका 3 3 सेकंड आया, तो पुट कर दो। तो डिस्टेंस को हमने 9 पुट कर दिया और टाइम को 3 पुट कर दिया, तो 9/3 कट कर दो, कितना आ गया 3। क्या चीज निकली, स्पीड, स्पीड की यूनिट लिख दो, तो आंसर क्या बन गया, 3 मीटर पर सेकेंड इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द बॉडी। अब अपने आप से चेक करो कि टीचर ने क्या क्या बताया। टीचर ने आपको 2 ग्राफ समझाए, अगर अपने आप से पूछना हो कि मेरे को समझ आ गया कि नहीं, तो सभी बच्चे पहले इस येलो लाइन के ऊपर ऊपर देखो, सॉरी ये व्हाइट कलर की लाइन आगे चलो, व्हाइट लाइन के ऊपर ऊपर देखेंगे सारे बच्चे, इस व्हाइट लाइन के ऊपर चेक करके देखो कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका ग्राफ येलो कलर वाला टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है, और टीचर ने हमें समझाया था, ये समझ आ गया ये नहीं। ओके, उसके बाद उसमें नेचर क्या बताई, ग्राफ की नेचर क्या बताई थी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरे वाले ग्राफ में टीचर ने बोला था कि अगर तो लाइन का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे कर्व के रूप में हो, तब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, 0 भी नहीं होगी, कांस्टेंट भी नहीं होगी, कभी 5 मीटर पर सेकंड, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 9, अलग अलग टाइम पे अलग अलग। पर यही ग्राफ अगर कर्व की शेप में ना होकर ऐसे लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आए, देखो लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, तब टीचर ने बोला एक तो स्पीड वो नॉन जीरो होएगी, पक्की बात है, जीरो तो उसी केस में होती है बस, दूसरा वो स्पीड कांस्टेंट होएगी, और उस कांस्टेंट को निकालने के लिए टीचर ने ग्राफ के ऊपर अपनी मर्जी से 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, वर्टिकल लाइनें लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाई, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से टाइम पता कर लिया, वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस पता कर लिया, दोनों को आपस में डिवाइड करके स्पीड निकाल के बता। अब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फैसला कर लो मन में समझ आ गया कि नहीं।
सो आई एम गोइंग टू आस्क वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. डियर स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, शाबाश, हैव यू अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अब नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और ग्राफ ड्रा करता हूं, फिर क्वेश्चन करें. मैं इसको स्टोर कर रहा हूं. अब किसी बच्चे को लगे सर क्या 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 बताया था, दोबारा दिखाना, तो हम दोबारा देख लेते हैं, देख लेते हैं आपको आपको ये देखो, ये देखा था, उससे पहले हमने ये सीखा था, एक्स और वाई का वेरिएबल वाला, फिर हमने ये सीखा, ठीक है. फिर अब हम और पॉइंट स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनना. ग्राफ्स के बारे में अब फिर से कई पॉइंट आएंगे. शाबाश. पहला पॉइंट बेटे, ये पॉइंट देखो, इधर आ गया टाइम, इधर आ गया डिस्टेंस, और ये ओरिजिन. मान लो ग्राफ ऐसे ऐसे ड्रा करके दे दिया उसने, एक ऐसे वाला वर्टिकल एक्सिस पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पैरेलल टू डिस्टेंस. तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, रॉन्ग है. मैं कहूंगा भाई क्यों नहीं पॉसिबल? आप कहोगे सर देखो, आपने एक टाइम मोमेंट सिलेक्ट करा ये वाला, मान लो ये 3 सेकंड है. ओके, मैंने कहा ठीक है. कह रहा 3 सेकंड के ऊपर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना, 3 सेकंड पर बॉडी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है. तो आपका ग्राफ यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है. देखो वर्टिकल एक्सिस कट करेगी, यहां से लाइन करोगे तो आप कहोगे बॉडी 2 मीटर की दूरी पर है, यहां करोगे 4 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है, लेकिन टाइम एक ही है. तो आप कहोगे सर कभी ऐसा मुमकिन है कि एक ही टाइम मोमेंट पर बॉडी ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर भी है, 4 मीटर की भी, 6 की भी 8 की भी? तो मैंने कहा मेरे को नहीं समझ आया. बच्चा कहता है सर मान लो एक बच्चे का घर ये है, उसका हाउस है, वो घर से स्कूल के लिए निकला है, और 10:30 के, चलो 9:30 के ऊपर आपने उसको पूछा कि वो घर से कितनी दूरी पर है, तो आप मेरे को कहने लग गए वो घर से 100 मीटर की दूरी पर भी है, वो घर से 200 मीटर की दूरी पर है, वो घर से 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन टाइम उतना ही रहा, टाइम वही रहा 9:30 बजे. ऐसा मुमकिन है? नहीं. एक मोमेंट, टाइम मोमेंट पे एक बॉडी एक ही पोजिशन पर हो सकती है. इसका मतलब यहां से हमें लर्निंग पॉइंट निकला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी वो वाली स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता जो डिस्टेंस के पैरेलल हो. टाइम एक्सिस के पैरेलल तो हो सकता है, उसमें बॉडी रेस्टेड थी, हाँ सबसे पहले वो पड़ा था, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता समानांतर दूरी पे. तो लर्निंग पॉइंट क्या रहा है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस. डिस्टेंस एक्सिस, एक नई पॉइंट हमने यह सीखा. अब एक नया पॉइंट और सीखते हैं बच्चे, वो सुनो. मान लो मेरे पास ऐसा ग्राफ है, मैंने इधर डिस्टेंस एक्सिस लिया, इधर टाइम ले लिया, इधर डिस्टेंस ले लिया, और एक ही ग्राफ के ऊपर दो बॉडीज का मोशन मेंशन कर दिया. एक ही ग्राफ के ऊपर मान लो एक ग्राफ मैंने ये शो कर दिया ए बॉडी के लिए, और दूसरा ग्राफ मैंने इसमें ये शो कर दिया ग्रीन कलर से, ये बराबर बी बॉडी.
आपसे पूछ ले पेपर में, इन दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी की स्पीड ज्यादा है, स्पीड मोर किसकी है, ये पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुना, आपने इस ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन को, जो दोनों ही लीनियरली राइजिंग है, आपने ये सोच लेना है कि ये दोनों पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हिल्स। कौन सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ज्यादा मुश्किल है, ग्रीन वाली या व्हाइट वाली? शाबाश, कोई बता सकता है? अगर यहां से पहाड़ी पे चढ़ना हो, कौन सी पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल है? अगर आप कहते हो ग्रीन कलर की, तो राइट हैंड खड़ा करो, अगर व्हाइट तो लेफ्ट। शाबाश, कौन सी पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल है? सभी बच्चे कह रहे हैं ग्रीन वाली, क्योंकि उनका स्लोप हाई है, तो ना तीखी चढ़ान है वो। तो जिसका स्लोप हाई हो, जिस पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल ज्यादा हो, उस बॉडी का स्पीड ज्यादा होता है। इसका मतलब है, इस ग्राफ में हमने ये सीखा कि स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज लेसर देन स्पीड ऑफ बी बॉडी, ये हमने सीखा है। इसी ग्राफ से एक चीज और सीखते हैं, कौन सी चीज? मान लो टीचर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि इन दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी ने अपना मोशन ओरिजिन से शुरू करा, ओरिजिन से, ओरिजिन मैंने ओ पॉइंट। याद रहे, दोनों ग्राफों में से जो ग्राफ ओरिजिन पे टच करेगा, टच करता है या पास करता है, उसी ने ओरिजिन से शुरू करा डिस्टेंस। बोलो ग्रीन और व्हाइट बॉडी में से कौन सी बॉडी का ग्राफ ओरिजिन से टच करता है? अगर आपका आंसर ए है तो राइट हैंड, शावश, अगर वी है तो लेफ्ट हैंड। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि व्हाइट जो ग्राफ है ना, वो देखो आपका ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो इस ग्राफ से हमने ये स्टडी करा, बॉडी ए स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, अब अगर इसी ग्राफ से एक चीज और सीखते हैं, अगर दोनों ग्राफ आपस में कहीं कट करते हो, देखो यहां पर ये कट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, जहां पर दो पॉइंट कट करें, अगर दो पॉइंट कट करते हैं, तो पक्की बात है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को ओवरटेक कर देगी। नेचुरली कौन सी किसको करेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा है, बी की ज्यादा है, वो ए को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। तो ऐसा कब निकल, कंक्लूजन निकालना है, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करें। तो आप बोलोगे बी बॉडी ओवरटेक्स ए बॉडी। आप इमेजिन कर सकते हो, दो कारें चल रही हैं, तो समय बीतने के साथ बी वाली कार ए वाली कार से आगे निकल जाएगी। अब बच्चा बोलता है सर क्या हम ये भी चेक कर सकते हैं कि बी बॉडी ए बॉडी से कब आगे निकलेगी, कब वो टाइम मोमेंट क्या होगी, वो भी नोट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपने ग्राफ में जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया बेटे, वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। देखो ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस पे कहां कट करी, यहां पर, जहां पर वो टाइम एक्सिस कट करी, उस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर लो ओरिजिन से। इतना देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपने टाइम एक्सिस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करी, और वो लाइन ओरिजिन से कितनी दूरी पर लंबाई बना के रखी हुई है, ये लंबाई को आप कैलकुलेट कर लो। मान लो यहां पर लिखा हुआ है 4 सेकेंड, जहां पर ये पिंक लाइन कट करी आके, अगर यहाँ 4 लाइन है, तो यहां से यहां तक कितना से टाइम हो गया, 4 सेकेंड। तो आप कहोगे सर ए बॉडी ओरिजिन से चली है, देखो ए बॉडी के चलने के 4 सेकेंड बाद ही
बी बॉडी उससे आगे निकल जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी। यानी हमने इसमें क्या सीखा, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग वो भी हमने सीख लिया। बट ये हमने इस ग्राफ से सीखा। एक और ग्राफ देखते हैं। मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया होता, इधर टाइम इधर डिस्टेंस, और दो बॉडीज का ग्राफ बना दिया होता, एक ऐसे ड्रा कर दिया होता बेटे ध्यान से देखना, और दूसरी ऐसे। एक मैं लेता बॉडी पी, एक क्यू, ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखाई हैं टीचर। तो क्या पैरेलल लाइनें कहीं पर कट करती हैं? कभी नहीं कट करेंगी, वो तो ऐसे जाती रहेंगी, वो कट करेंगी नहीं। इन दोनों पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है? आप कहोगे सर दोनों पे बराबर मुश्किल है। इसका मतलब पी कार की स्पीड उतनी ही है जितनी क्यू कार की है, क्योंकि ये दोनों बराबर की स्पीड पर चल रही हैं, तो कोई भी कार किसी को ओवरटेक नहीं करेगी। मतलब कि अगर दो ग्राफ लीनियरली राइजिंग हो और वो आपस में पैरेलल हो, तब दोनों बॉडीज की स्पीड बराबर होती है, कोई भी बॉडी किसी को ओवरटेक नहीं करती। तीन बातें आपको टीचर ने समझाई, ये व्हाइट कलर वाली बेटे, और इधर ये सारा ग्रीन वाला डिस्कशन, और कब बॉडीज ओवरटेक नहीं करती, ये सब। अब अपने मनों से पूछो, आपको टीचर ने आपको टीचर को रेस्पॉन्ड करना है बेटे, जब मैं पूछूंगा कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं उल्टा पूछ रहा हूं। हूसोएवर हैज नॉट अंडरस्टूड दीज थ्री प्लीज रेज द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रेज करो जिसको ये समझ नहीं है। क्या बात है, जिनको ये तीनों बातें समझ आ गई हैं भगवान की दया से, वो राइट हैंड खड़ा करो। शाबाश, रेज योर राइट हैंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जानते हो इस सारी चीज का क्रेडिट किसको जाता है? दो बंदों को जाता है, एक तो आप खुद जो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, और दूसरे वो टीचर्स जो इस वक्त क्लास में इतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करें। सबसे ज्यादा उनको जाता है बेटे, अगर डिसिप्लिन ना हो तो मैं अपनी नॉलेज बता ही नहीं सकता आपको। तो ये ग्राफ हमने स्टडी करा, शाबाश। अब हम चलते हैं असाइनमेंट के ऊपर। आ जाओ पेज नंबर 3 निकालो सारे बच्चे, पेज नंबर टाइम इज नंबर ओवर। नहीं निकालो, 2 मिनट ही लगेंगे बेटे, 2 मिनट। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी बताओ। दोनों दो ग्राफ दिखा रखे हैं, कार ए के लिए और कार बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 3, कार ए के लिए बेटे, कार बी के लिए, और ऐसे ग्राफ है। बताओ इन दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है? बोलो बेटे, ए ए का स्पीड ज्यादा है। बिल्कुल स्लांट वाली बात आ गई ना, ए वाली पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, 3 के ऊपर हमने ऐसा ग्राफ दिखा रखा है, डिस्टेंस टाइम, और ग्राफ ऐसा है। मान लो अगर ऐसा ग्राफ है तो क्या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताओ, वेरिएबल या कांस्टेंट? जो बच्चे वेरिएबल कह रहे हैं रेज योर राइट हैंड। वेरिएबल जो बच्चे कह रहे हैं, अगर ऐसा मोशन है, ग्राफ स्पीड वेरिएबल है, तो यस, क्योंकि कांस्टेंट पे तो टीचर ने ऐसे दिखाया था, कांस्टेंट पे ये लीनियरली राइजिंग, ये वेरिएबल है। वेरिएबल स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये भी हो गया। लास्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ में कह रहा है एक बॉडी रेस्ट पर है, कार खड़ी हुई है, बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा होगा? फोर्थ क्वेश्चन की ऑप्शन पिकअप करो, बी 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 ऑप्शन। शाबाश, अगर कार खड़ी हुई है तो उसका ग्राफ ये वाला होएगा, बी ऑप्शन, फोर्थ का बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बस एक ये वाले हम फिर अगली बार करते हैं, आप घर से करके आना है इनको, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास। आज का लेक्चर अगर समझ आया तो बोथ हैंड वेव करके दिखाओ एक बार।
शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। चलते हैं बेटे अगली बार में। थैंक यू टीचर्स। Gracias.